मेरा नाम बंटी सुनवा है, हम यहीं के रहने वाले, बैरागीपुरा के लोकल है। करीबन एक महीने से हम कोशिश कर रहे निकालने की, वो हाथ में आ ही नहीं रहा था। ऊपर से पानी तो था ही, पानी से नहीं निकला, बाद में दलदल आ गई, दलदल में कोई घुसने को राजी नहीं था और कोई भी निकालने को नहीं। आज हमने कम से कम 4 से 5 घंटे, ये मैं और ये भैया थे साथ में, हमने 4 घंटा गणेश गौर थे, 4 घंटे करीबन हमने कोशिश करे निकालने की। अब वो दलदल में ही फंसा था, वो कैसे भी करके आया पास में, आते 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 फिर हमको जैसा मौका मिला हमने वो पोकलेन का सहारा लेके उसकी बकेट को पकड़ के हमने बाहर निकाला। और बाहर निकालने में कछुओं को कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं हुई, उसको बड़े पद्धत अनुसार निकाला गया। बाहर निकालने के बाद में निलाया गया, बहुत अच्छे यानी बहुत अच्छे तरीके से रखा गया था, उनको कोई तकलीफ नहीं होने दी हमने। और हमारी एक ही इच्छा भी है कि जैसे हमने रेस्क्यू वाले कछुए को निकाले और रेस्क्यू वाले के हाथ में दे दिए, उनको सौंपे, अब हमारी यही इच्छा है, मेरी भी और हमारे सभी जनता सर्व नागरिक की, कि ये सौंदर्यकरण होने के बाद में साल भर लगे, 1.5 साल लगे, उसके बाद में ये कछुआ अगर यहाँ ला के छोड़े तो ये आप सबका धन्यवाद होगा और बहुत अच्छी बात होगी सभी जनता के लिए। एक दोन एक महीना आम्हाला माहिती मिळाली आणि लेटर आलं, तसंच मी इथे टीम सोबत आली, त्याच्यानंतर आम्ही खूपदा प्रयत्न केले, 2-3 येऊन फायर ब्रिगेड सोबत आम्ही प्रयत्न केले, परंतु तो सापडला नाही। आणि आता इथल्या म्हणजे तलाव सुंदरकर लोकांनी त्याला पकडून रेस्क्यू केली आणि आम्हाला जसा कॉल केला तसं मी 10 मिनिटं म्हणजे तिथून तयार होऊन तिथे त्याला काश्मीरला जप्त केलं। आणि तिथून इथून आम्ही PTC म्हणजे ट्रान्झिट सेंटर नागपूर शिमिर तिथे घेऊन जात आहे, तिथे त्याची व्यवस्थित काळजी घेण्यात येईल, त्याच्यानंतर तिथून जेव्हा सौंदर्यीकरण होईल तलावाचं त्याच्यानंतर इथे व्यवस्थित तिथे सोडण्यात येईल। 120 किलो आहे का अंदाज आहे बहुतेक, मी तेव्हा ऐकलो की 100 च्या जवळपास असेल, आता तिथे गेल्यानंतर कळेल।